दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी मेरे अपने के बारे में, जिसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद थे नसीरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, जेबा बख्तियार और पूजा भट्ट। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट। तो दोस्तों, ये बात है साल 1993 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और बात करें इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, तो मेरे अपने एक बेहद ख़ास और 90s एरा की काफ़ी यूनिक फिल्म होने वाली थी, जहां ये माना जाता है कि मेरे अपने हॉलीवुड फिल्म रिगार्डिंग हेनरी का रीमेक होने वाली थी। और रिगार्डिंग हेनरी साल 1991 में रिलीज़ हुई एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पे भी कामयाब हुई थी। और देखा जाए तो मेरे अपने बुनियादी तौर पे एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली थी, जो एक अर्बन डिसफंक्शनल फैमिली की बेसिस पे फील गुड मैसेज देने वाली थी। और इस यूनिक टॉपिक के लिए डायरेक्टर महेश भट्ट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट को सेलेक्ट किया था, जो नो डाउट हर लिहाज से परफेक्ट वाइब दे रही थी। चाहे बात हो नसीरुद्दीन शाह की और उनकी स्ट्रॉन्ग मेथड एक्टिंग की, या फिर अक्षय कुमार की एनर्जी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की, मेरे अपने फिल्म प्रेजेंटेशन वाइज बेहद सिक्योर हैंड्स में थी। और देखा जाए तो मेरे अपने एक पोटेंशियल फिल्म थी, जो अननोन रीजंस की वजह से अनाउंसमेंट के बाद प्री प्रोडक्शन स्टेज पे ही बंद कर दी गई थी, जिसे रेलेवेंसी के हिसाब से आज भी रिवाइव किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे अपने मूवी को लेके आप सबका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।